गजल भजी मुझे बड़ी अच्छी लगी तो इस पर मैंने इस रचना को लिखवाया, सुने आपको अच्छी लगी। के हो बुरा बा नंदलाल भैया और जितेन भैया, आप सुनिएगा, मेरा विश्वास है ऐसे गाने कम कलाकार लाते हैं। के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, ये आज के दौर की सच्चाई है। सच्चाई है। हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, हो बुरा तो अपने भी नहीं मिलते के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, और सूखे पेड़ों सूखे पेड़ों सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिले, ये लाइनें क्रांति माला पर बिल्कुल जज्बा करती हूँ, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये तमाम जितने भी रिश्ते हैं सब किनारे रहे। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। कितनी बुराइयां कितनी बातें मैंने सहन की हैं ये मेरी आत्मा जानती है, क्योंकि सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। कहने को लोग रिश्ते तमाम जोड़ते हैं, लेकिन एक बार लोगों ने यह भी सोच लिया क्रांतिमाला दोबारा खड़ी ही ना हो पाए। क्यों? क्योंकि एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है और आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी आज के इस दौर में, के जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, तो उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। हालांकि रिंकी जी बुरा न मानिएगा, अब रिश्तों पर भरोसा करने का मन नहीं करता, समय ऐसा आ गया है, लेकिन सब ठीक है, जो प्रेम है वो बना रहे। अब गीत आप सुने, जितना फिल्मी टुकड़ा या गजल का टुकड़ा आपको अच्छा लग रहा है, मेरा विश्वास है आपको गीत भी अच्छा लगेगा। महाभारत का आरंभ जब संग्राम हो रहा, महाभारत का आरंभ जब संग्राम हो गया, गृह युद्ध था जो अब तक सरे आम हो गया, तो अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है,
एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं, और अपने ही अपनों को मारने के लिए खड़े हैं। अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है, उस समर भूमि में संहार होने लगा है। तो भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे, एक एक करके मारे जाते रहे। भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे, भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे। तब कर्ण से दुर्योधन ने ये बयान है कहे, एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। और तब कर्ण से दुर्योधन ने ये बयान कहे। दुर्योधन डरने लगा कि मेरी भी मौत आने वाली है, तो उसने अपने मित्र कर्ण से कहा है, कर्ण मेरी तरफ से अब केवल तू बचा है, तो अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है, अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है, कौरव सेना का अब सम्मान तेरे हाथ है। तो बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, दोस्त ने कहा, कर्ण ने कहा, दुर्योधन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, तब तक समर में मित्र तेरी शान रहेगी। देखिए महाभारत हमें क्या सिखाती है। जिसका नमक खाया कर्ण ने, कर्ण जानते हैं पांचों मेरे भाई हैं, लेकिन कर्ण ने मित्र का फर्ज निभाया, क्योंकि जिसका नमक खाया उसी का गुण गाया। हेलो, कितना बेस चालू है इसमें, बेस कम कर दीजिए। कर्ण ने कहा मित्र तुम्हारी शान रहेगी, और अचानक देखते ही देखते के आकर के कर्ण अर्जुन के हैं साथ भिड़ गए, आकर के कर्ण अर्जुन के हैं साथ भिड़ गया, दोनों के बीच महाघोर युद्ध छिड़ गया। वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, उसके रथ का पहिया है जब धरती में धस गया। ललकार में लगे तो कर्ण वहां मन ही मन विचारने लगे। कर्ण धराशायी पड़े हैं, अर्जुन बाण लेकर खड़े हैं, और युद्ध के नियम के अनुसार अर्जुन ने कर्ण को ललकारा, कहा कर्ण अरे उठ, उठ, लड़ता क्यों नहीं, तू तो सबसे बड़ा बलशाली है, मार मुझे आज ऐसी दशा। और जब कर्ण ने ये देखा तो कर्ण ने कहा, मन ही मन विचार करने लगे कर्ण, और कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं अपना नसीब तुम्हारे नसीब से मिलाता हूँ तो मुझे एहसास होता है तुम क्यों भाग्यशाली हो, क्योंकि कि हम तो अपनों, एक लाइन सुनिएगा। अर्जुन को देखकर कर्ण कहने लगे, हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं। रिंकी जी ये दो पंक्तियां सुनिएगा, क्योंकि आप भी बुआ कह रही हैं और इस कीर्तन जगत में हम भी, के हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं, हम तो अपनों से ही अपमान
लिए बैठे हैं। के हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं और मित्रतावश करने कहा अर्जुन, केवल मित्रतावश ये धनुष बाण लिए बैठे। मित्रतावश ये धनुष बाण लिए बैठे हैं, थोड़ा इनको रोकें, जब कोई भावनात्मक गीत चलता है तो अच्छा नहीं लगता। पुरस्कार ले लीजिए, उनको उधर कर दीजिए, पुरस्कार छुड़ा लाओ उनसे। हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं और मित्रतावश ये धनुष बाण लिए बैठे हैं। और कहा कर्ण, कर्ण कहने लगे अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तूने माता की ममता का सुधा पान किया। तूने माता की, तुम्हें तो माँ का दूध पीने को मिला, लेकिन मैं कितना भागा हूँ, मेरे पैदा होते ही मुझे माँ ने जल में बहा दिया। तूने माता की ममता का सुधा पान किया, पर हम तिरस्कार का विष पान लिए बैठे। विषपान लिए बैठे हैं। एक पंक्ति और जोड़ रही हूं। कर्ण विचार कर रहे हैं और अर्जुन के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कहने लगे कि तेरे गुरुदेव का आशीष तेरे साथ में है। तुम्हारे सर पर उनका हाथ रहा, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ, मेरे गुरु हैं परशुराम, मुझे ज्ञान तो दिया लेकिन एक श्राप भी दे दिया कि जाओ उस समय आने पर अपना ज्ञान भूल जाओगे। तो आज ये कर्ण कह रहा है कि तेरे गुरुदेव का आशीष तेरे साथ में है, पर हम तो अभिशाप का गुरु ज्ञान लिए। जो पंक्ति में पढ़ रही हूँ ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मेरा विश्वास है आपको भी अच्छी लगेगी, और अच्छी लग जाए तो बड़े मन से आप सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, सर हिला रहे हैं, इन पंक्तियों पर अपना आशीर्वाद तालियों का दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। कर्ण ने कहा अरे अर्जुन मैं क्या जानता हूँ कि तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। तेरी कश्ती कभी मझधार में ना डूबेगी। और क्यों नहीं डूबेगी बाबूजी? क्यों? कि तेरी कश्ती कभी मझधार
में ना डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि क्यों? क्योंकि स्वयं पतवार को भगवान लिए चलाने वाला खेवन हार कन्हैया हो, उसकी नाव कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकती। स्वयं पतवार को भगवान लिए बैठे हैं। और बिल्कुल एक ऐसी ही लाइन आपको और अच्छी लगेगी। का कर्ण विचार कर रहे हैं और कह रहे, मैं ये जानता हूँ आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर। हर किसी को जाना है, लेकिन तुम बड़े भाग्यशाली हो अर्जुन, क्योंकि किशन ना कर्ण बचे गाना ध्वज बचे उसका। किशन ना कर्ण बचे गाना ध्वज बचे उसका। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि तुम्हारे ध्वज को, अरे तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए लगाओ तो एक बार जरूर आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबकी इच्छा थी तो बड़ी मेहनत से मैंने